it's like 1 o'clock at night and still we can hear people shouting and crackers and etc. Because Ganpati Bappa is coming to their respective homes. तो यहाँ पे दैट इज़ वाई पीपल से कि मुंबई का यू नो गणेश चतुर्थी. कैन यू हियर हियर पीपल आर शाउटिंग एंड एन्जॉइंग इवन दो इट्स 1 at night. ऐसा एक्चुअली अच्छा है कि रात को 1 o'clock को इट्स बेटर इफ पीपल गेट देयर गणपति बप्पा, क्योंकि दिन में बहुत ही रश रहता है, ट्रैफिक जाम सब रहता है. सो दैट्स व्हाई पीपल गेट गणपति बप्पा होम एट नाइट, लेट एट नाइट. तो यहाँ पे कहीं तो गणपति बप्पा आए हैं, पता नहीं कहाँ पे. सुना मोरिया? सो दिस इज द चार्म ऑफ मुंबई. बट ये मोरिया, कहीं बंगलों में ही होगा. यहाँ पे नीचे बहुत सारे बंगलोज है ना, तो वहीं से कहीं पे होगा. सो यू कैन सी रात की 1 बज गई है, फिर भी इतना चहल पहल है. आई कैन ऑल्सो हियर क्रैकर्स ऑल अराउंड, यहाँ वहाँ दूर से सुनाई दे रहा है. अच्छा है. दिस इज द टाइम 1 at night. इंडिया, आई एम हियर. So I have to do a lot of things. So अभी दिख रहा है सब लोग, देखो गणपति बप्पा को लेके जा रहे. As I told, ये बंगलोस का ही था. देखो कैसे गाड़ी में लेके जा रहे. They are like all 1, 2, 3, 4, 5, 6 black cars, yeah. Mast. See? They're all black cars. Nice. Like there is a minister who stays very in these bungalows, one of the bungalows. So I am sure ki ye unhi ke ghar pe ja raha hai. But I'm glad I got to see this. Sone se pehle ek Ganpati Bappa dikhe hum logo ko. यहाँ पे इन मुंबई नो डाउट कि यहाँ पे गणपति बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट होता है, लेकिन मैंगलोर का भी सेलिब्रेशन कुछ कम नहीं है. एक्चुअली मैंगलोर का जो सेलिब्रेशन है वो अलग है और मुंबई का सेलिब्रेशन अलग है. यहाँ पे घर घर पे गणपति बप्पा आते हैं एंड वी गो टू विजिट एवरीबडीज प्लेस एंड ऐसा सब होता है. इग्नोर, मैंने थोड़ा ये डाला था, है क्या दिख रहा है क्या? थोड़ा मैंने डाला था, आई डोंट नो यार, लास्ट ईयर भी सेम टाइम में ऐसे पिंपल्स हो गया था. इन विच वेज, इग्नोर माई पिंपल्स. तो मैंगलोर में अलग है. मैंगलोर में रात को हम सब लोग हमारे जगह में जो रहते हैं सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे ये रहता है, टैबलोज रहता है, अलग अलग चीज़ें रहता है, वो भी एक अलग ही मज़ा है. आई रियली मिस मैंगलोर का गणेश चतुर्थी. आई थिंक लास्ट ईयर में भी मैंने बोला था कि मैं बहुत मिस करती हूँ. बट या यहाँ का भी अच्छा है, वी एन्जॉय अलॉट. सो टुमोरो आई विल शो यॉल कि हम लोग कहाँ कहाँ पे जाते हैं. बहुत जगह जाएंगे हम लोग. बट बाय द वे, आप लोग सोच रहे होंगे कि अब तक जगी क्यों हूँ मैं. हम लोग क्या हुआ, ऐसे ही सब मेरा क्लीनिंग विलिंग हो गया, बच्चों को सुला दिया, फिर मैं भी सो गई. फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि मैंने डोसा के लिए उड़द दाल ये किया है, सोक किया है, और उसको आज ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए कल हम लोग वही खाने वाले थे. तो मैं भूल ही गई थी. तो अभी मेरे को फटाफट वो आटा बना के देन आई गो टू स्लीप. टुमोरो मैं बनाऊंगी इडली. और टुमोरो मैं 2-3 आइटम्स बनाने वाली हूँ. वो सब क्या है मैं आप लोग को दिखाऊंगी. प्रॉब्ली द व्लॉग्स विल कम इन डिफरेंट पार्ट्स. बट या
आएगा जरूर, आप लोग जरूर देख लेना और बहुत प्यार देना। जैसे मैं बोलती हूँ, एक फ्रेंड के साथ भी शेयर करके उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दोगी तो बहुत है, तो करते नहीं हो आप लोग, वो अलग बात है। सो एनीवेज, चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़द दाल और मेथी को मैंने भिगो दिया है और यहाँ पे चावल है। चलो मिलते हैं फटाफट ये दोनों को पीस के। And here our batter is ready. It took like 15 to 20 minutes to get it done, but it is perfect and it is done finally. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग कितना डोसा इडली बनाते हैं, बैटर डोसा इडली खाते हैं। ये साउथ इंडियन गाइज, आई एम श्योर कि आप लोग अगर साउथ इंडियन नहीं हो तो भी आप लोग को इडली डोसा पसंद होगा, क्योंकि इडली डोसा इज समथिंग वेरी हमारा ब्रेकफास्ट के लिए हमारे हेल्दी वर्जन है जो हम लोग रोज खा सकते हैं एंड वी वुडंट गेट फेड अप ऑफ इट। बट देर आर इवन साउथ इंडियंस हु रियली गेट फेड अप ऑफ इडली एंड डोसा, बट इट्स माई हस्बैंड्स फेवरेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो सुबह को जाते हैं तो आते आते कभी कभी बहुत लेट हो जाता है, एंड इडली एंड डोसा इज समथिंग दैट कीप्स हिम फुल, उनका पेट भरा रहता है, तो That really helps him a lot. तो मैं इसीलिए उनके लिए ज़्यादातर इडली डोसा बना के देती हूँ। So yeah, चलो अभी मैं सो जाती हूँ। I am very tired. It's almost 2 o'clock. I need to go and sleep. I'm tired. I am a toddler mom, as you all know, and the whole day I am on my toes. Then 2 hours in the afternoon, 1.5 hours in the afternoon where my toddler is sleeping. तो अभी जाके I need to crash and I need to wake up early in the morning because it's festival, it's Ganpati Bappa's birthday, hum sab ka favorite Ganpati Bappa, unka birthday, so we need to wake up in the morning, get idli done and chutney done and etc etc. Chal, mere saath chalo, nahi mere saath mat chalo, pata nahi aap kaun sa time mein video dekh rahe ho, main ja rahi hu sone ke liye, good night. The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप जस्ट देख लो कि मेरा बैटर कैसे फूल चुका है। लास्ट नाइट आप लोगों ने देखा होगा बैटर ऑलमोस्ट हाफ द टॉप था और यहाँ पे बैटर पूरा आके इट इज काइंड ऑफ ओवरफ्लोइंग एंड आई एम फीलिंग ओवरवेल्म्ड। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो अभी तैयारी बाकी है, बस उठ ही गई हूँ मैं। आप लोग ने देखा कि हमारा इडली का बैटर बहुत फूल गया था एंड दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो चलो अभी फटाफट नहा धो के तैयार हो जाते हैं एंड लेट्स स्टार्ट द डे। एंड हियर आप देख सकते कि हमारा इडली कितना स्पॉन्जी स्पॉन्जी बन चुका है, नो इनो नो बेकिंग सोडा। हेलो गाइस, सो अब मैं आपको मिल रही हूँ बहुत आई थिंक 3-4 घंटे बाद। तो हमारा प्रिपरेशन हो चुका है, वेटिंग फॉर मिस्टर शेट्टी, वो एक बार आ जाए तो हम लोग फटाफट खाना वाना खा लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया। तो ये बनाया मैंने मूंग और बटाटा का बाजी रसा, और ये हमारा मैंगलोरियन स्पेशल टोंडली और चने का बाजी, एंड ये ककड़ी से बनता है, थोड़ा चटनी वटनी टाइप से, बट इट्स सुपर यमी। और ये हमारा स्पेशल मूंग का खीर, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स स्टफ डाल दिया है। बाय द वे गाइज, फेस्टिवल के टाइम में ये वाला पोर्शन देखने को बहुत ही मजा आता है। कैसे भगवान को सजा दजा के अच्छे से सज दज के अच्छे से उनको रेडी करके हम लोग कैसे उनके लिए ये सब परोसते हैं। लड्डू, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, खीर खीर एंड फ्रूट्स। Yeah. My favorite guava. एक हार बाकी था, अभी तक आया नहीं यार, पता नहीं कब प्रशांत आएंगे और ये हार डलेगा भगवान के ऊपर, लेकिन मंगवाया है, अभी आना चाहिए। हाँ अभी आएगा तो प्रशांत आएंगे तो लगवाएंगे हम लोग।
चलो इन विच वेज नॉटी गर्ल तो पेट भर के खाना खा लिया है, इतना सारा ठूस लिया है हम लोगों ने, खीर दो दो बार लेके मैं खाई हूँ, तो मैं खाना अपने हाथ का खुद तारीफ नहीं करूंगी, कोई और है जो कर सकता है। अच्छा लगा, बेस्ट फूड एवर। खीर अभी तक खाया भी नहीं, खीर इज द हाईलाइट ऑफ द डे। खीर तो खाएगा ना तो एकदम जैप्ट हो जाएगा, जैप्ट। तो खीर आज मैंने फर्स्ट टाइम मूंग का बनाया, नहीं तो मैं चावल या सेवैया का बनाती हूँ, इस बार मूंग का बनाया साबूदाना डाल के, सो इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। तो या प्रायशा और मेरा खाना हो चुका है, खीर वीर सब खा के, युवीर का अभी भी नहीं हुआ है, अच्छा है बोल रहा है लेकिन फिनिश नहीं कर रहा है। तो एनी विच वेज आई एंड द व्लॉग हियर फॉर नाउ, क्योंकि शाम को गणपति बप्पा देखने के लिए जाएंगे सबके घर पे, और सबका गणपति बप्पा आप लोग को दिखाऊंगी, क्यूट 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 वाला, तो वो भी उसमें इंक्लूड करूंगी, तो व्लॉग बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। सो आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग इन द नेक्स्ट व्लॉग। अगर आप लोग मेरे रील्स शॉर्ट्स सब नहीं देख रहे तो प्लीज़ जाके देख लो, फॉलो मी ऑन यूट्यूब, आई मीन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम सुपर मम दिशा है, फेसबुक सुपर मम दिशा है, थ्रेड्स पे भी हूँ सुपर मम दिशा है, यूट्यूब पे भी सुपर मम दिशा, प्लीज फॉलो। एंड प्लस एवरीबॉडी सी दैट माय एक्टिंग इज नाइस। या युवीर का एक्टिंग कैसा लगता है आप लोगों को वो भी बता दीजिए, जो चार पांच लोग आते को बताते हैं वो तो मैं तेरे को बताती हूँ ना कि कैसा लगता है, जो तारीफ करते हैं तो युवीर के एक्टिंग को बहुत लोग तारीफ करते हैं, युवीर को इतना ट्रेन मैं करती हूँ, युवीर को दस पंद्रह बार फिर से प्रैक्टिस कराती हूँ मैं, इसलिए वो हिचकिचाता है मेरे रील्स में आने के लिए। इज अ गुड एक्टर दो, लेकिन मेरा ऐसा है कि पर्टिकुलरली मेरे को ऐसा टाइप का चाहिए तो ऐसे करने का। बट आई वॉन्ट टू बी अ फुटबॉलर, आई एम नॉट टेलिंग यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, बट इन द रील आई वॉन्टेड टू बी वेरी परफेक्ट, तो 10-15 बार मैं उसको करा देती हूँ, तो इसीलिए जब वो बहुत फ्री रहता है बस तब भी ही मैं उसको पूछती हूँ कि करेगा क्या, तो हाँ बोलता है तो तुरंत हमारा काम चालू। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस, आप लोग को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, और नेक्स्ट व्लॉग पे जरूर आना, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हम लोग कितने घर पे गए और उधर क्या क्या किया, और सब गणपति बापा को दिखाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस, होप टू सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन। ये देखो कोई तो बहुत मजे कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही। व्हाट आर यू डूइंग प्रिया? दैट्स द गिफ्ट आई गेव हर, दैट या दिस इज रक्षाबंधन वाला फ्रॉक युवीर गेव हर, ही गेव हर 2-3 फ्रॉक्स, 3 या which are all very nice. So yeah, that's it for today's vlog guys, hope to see you all in the next vlog, till then toodles for some love, Prashu, toodles pehle, toodles show some love. Show some love, aur next vlog mein zarur aana, zarur dekhi, yeah.